चलो फिर सिस्टम सुनो इसका। बोतल नहीं है इसके अंदर, तो पानी हमारा होता नहीं है इसमें, तो वो अभी हम जी रोकना कंडक्टर के पास सामान है। देखो लाइट्स के साथ तो भाई क्या चीज है जो सेक्सी लगती है भैया। देखो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो यार। तो आज का दिन शुरू हो चुका है, सिनी और मैं वॉक के लिए आ चुके हैं। सिनी की तबीयत में अब थोड़ा सा सुधार है, जो उसका रेड वाला पार्ट है ना वो थोड़ा रेडिश कम हो गया, और इसकी आई से मतलब जो पानी पानी निकल रहा था वो भी थोड़ा कम हो गया, मतलब ये पॉजिटिव साइंस है ठीक होने के। तो ऐसे थोड़ा कुछ सही लग रहा है अभी। अभी हम वॉक के लिए यहाँ पे अभी हगरी है काफ़ी भयानक पोजिशन बना के। तो चलो तो आज का दिन शुरू करते हैं, इसको वॉक वूक कराते हैं, फिर निकलते हैं परे रूम के लिए, फिर देखते हैं आज के दिन में क्या कह रहा था। बने रहो। नहीं रुक जा ये बंदर है, बंदर फाड़ देगा हमारी पूरी गैंग होती है इनकी। वो देख कहाँ कहाँ चढ़ रहा है सिन्नी। तो भाई इतनी सी है ना, पर जान देखो ये वो चल चल, मेरे को खुद तो बच जाएगी वहाँ, जब मेरी गांड में सारे बंदर पड़ जाएंगे। चल चल भाग जा वहाँ, चल चल जल्दी जल्दी सिन्नी, कम ऑन लेट्स गो, जल्दी जल्दी वहाँ। देख सीनू कितने बंदे, वो देख मुंड पंगे ले नहीं आ रहा है वो, चल 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 सीनू, क्या डिमांड हो जाएगा हमारा। वो देख ऊपर बैठ के देख रहा है, क्या मजे में देख रहा है वो बंदर। आ आ तू मेरे पास बोल रहा है, वो देख ऊपर यहाँ देख कैसे बैठे हैं, चारों तरफ बंदर ही बंदर है। वहाँ देख बंदर, वहाँ देखो 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 कुत्ते की गांड फाड़ दी उस बंदर ने। चल तो लंबी टिट्टी हो जाता है, हमारी भी फाड़ देंगे। चल 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 चल, वो देख कैसे जा रहे हैं कुत्ते को रगड़ने सारे बंदर। तो यार आज का दिन शुरू हो गया है, अभी मैं निकला दुकान के लिए, सिन्नी को दवाई दुई लगा दिया है, और अभी मैं यहाँ से निकला। मैं सोचा आज क्यों ना अपने स्कॉर्पियो लेके ही चले, स्कॉर्पियो का केटल लेके चले। यार चाबी रखी है हमने इसमें, चाबी रखी है हमने अपने स्कॉर्पियो में, तो इसको खोल के यहाँ हमने चाबी रखी है, चाबी बस चाबी निकालते हैं और चलो फिर आज अपनी K10 को लेके चलते हैं। आप लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि अपने K10 नहीं दिखा रहे, चलो दिखाता हूँ। तो ये रहे हमारे कुछ K10 ऐसे भाई गंदी, तो भाई ये बेरहम हो जाते हैं। देखो यार कितनी गंदी हुई पड़ी है, देखो बहुत ही ज़्यादा गंदी। चलो इसको खोलते हैं, वर्टिकल डोर्स। तो चलो तो इसको सबसे पहले तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने इंजन को। न्यूट्रल ये हमारा ब्लोअर चला हुआ है, तो इंजन स्टार्ट हो चुका है। नॉइज तो है भाई जो एग्जॉस्ट में ना, अभी तो भाई जो पटाखे भी मारता भी है रैम वाले। तो देखो पीछे से भी गंदी हुई पड़ी है, यहाँ से रैप भी। यार मैं एक वीडियो आप लोग बताना, मैं रैप के बारे में बताऊंगा कि रैप के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, और लोगों को रैप कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, क्या क्या बसूरी होती है रैप की। उस फैन जो बुरा हाल है, बहुत गंदी। कैमरे में इतना जस्टिस नहीं हो पाता भाई जितना सामने दिखता है, थोड़ा बहुत शीशे में कपड़ा मार लेते हैं। चलो तो यार शीशा हमने साफ़ कर दिया, क्योंकि शीशा इसका यार हमेशा ही साफ करना पड़ता है, क्योंकि सीन ये है कि इसमें वाइपर तो चलते हैं, पर ये वाइपर का पानी की बोतल नहीं है इसके अंदर, तो पानी हमारा होता नहीं है इसमें, तो वो अभी हमने इंस्टॉल करानी है यार, कब कराएंगे पता नहीं यार। तो भाई टाइम ही नहीं लगता यार, अब सर्दियाँ आ गई ना, अब गर्मी जैसी ख़त्म हो गई तब हमारे पास गाड़ी को टाइम देने के लिए है, और दुकान में भी आजकल फिर काम भी कम होता है, फिर जाके हम अपनी गाड़ी में टाइम दे सकते हैं। तो चलो इंजन स्टार्ट हो गया, बैठते हैं अंदर, अंदर का एक्सपीरियंस दिखाते हैं। बस बहन जी सीटें थोड़ी सी इसकी टाइट है यार, मतलब है मतलब टाइट सी सीट है थोड़ा, पर फिर बैठने का फील भाई इस गाड़ी में बैठने का फील तो फिर कुछ अलग ही है बहन, जो मज़ा सा आ जाता है सच। आए एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनेंगे, चलो शीशा खोलता हूँ, नहीं लो अरे खुल गया एग्जॉस्ट। पटाखे भी मारता है यार, अभी नहीं मारो थोड़ा ऐसे गर्म हो जाएगा ना, एग्जॉस्ट की आवाज़ तो बेर है। मैं चलो आपको सिस्टम भी सुना दे भाई, सिस्टम भी इसका ताड़ फाड़ बजता है भाई, जो भाई कानों को रिलीफ मिलता है जब बजता है। रुको सिस्टम से पहले आपको बताता है, और हॉर्न की क्या दिक्कत है पता नहीं, उस दिन मैं कर तो रहा फिर भी ये हॉर्न देखो डायरेक्ट हुए। अब जैसे इसको मैं ऑन करूंगा ये देखो अपने आप ही बजना शुरू,
देखो यहाँ कुछ टच टच हो रहा है, मेरे को लग रहा है ना इसमें कुछ वायरिंग का भी इशू है। ये हॉर्न भी कराता है ना, और इसकी वायरिंग का इशू भी चेक कराना पड़ेगा। चलो फिर सिस्टम सुनो इसका। दुकान खोल दी मैंने यार, इतनी गंदी गाड़ी के साथ रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कपड़े मार दूँ। यहाँ हैंडपम्प से गिल्ला करके मैंने बढ़िया कपड़ा मारा, पर यहाँ देखो ना इसमें छोटे मोटे निशान पता नहीं क्या है यार। एक जगह देखो यहाँ से रैप उतर गया है, ये इतना लंबा यहाँ पर निशान है, यहाँ से इसके ग्राफिक्स उतर गए हैं, और इस साइड को तो यार बहुत ही ज़्यादा बुद्धि है। देखो ये देखो सारे के सारे निशान है यार। यहाँ पे एक मैंने ये भी स्टिकर लगाया था, देखो कैसा दिख जाता है। और तो इस साइड से तो ओके है, बस बीच बीच में कई ये हल्के हल्के स्क्रैचेस है, ये तो मिट्टी है। ये यार काशू भैया के पास एक दिन जाना ही पड़ेगा, ये सारे के सारी चीज़ें एक बार रिपेयर कराने। ये देखो जब हमने स्पॉइलर निकाला था तब का है यार, बहुत कुछ है। पर अभी धूप के तो भाई चमकती है भाई, रोड पे तो जब धूप के चमकती है ना भाई, अलग ही रिस्पॉन्स मिलता है लोगों का, भाई जब मज़ा आ जाता है देखने यार। हमारा आपको पता है जैसे पिछला टायर फटा था, तो उसने टायर इस साइड को चला दिया, हमारा टायर स्टिकर परे वाला वैसे भी वो ख़राब हो गया था, फिर तब का निकाला है। लोग बोल रहे थे लोग गाड़ी दिखाओ गाड़ी दिखाओ, ये अंदर। और मैंने आज इसमें एक दो यार, तो ये मेरे पास दो स्टिकर्स पड़े थे पहले के, ये ईट स्लीप रिपीट और ये रॉक फ्रीडम के, तो ये भी मैंने अभी अभी लगा दिए। और ये देखो यहाँ हमारा वेल्वेट्रॉनिक है, और यही हमने ट्विटर की प्लेसमेंट कर रखी यार। ये वाली चीज़ ना, ये वाली चीज़ भी मेरे को जच नहीं रही कुछ टाइम का, ये भी मैं चेंज कर दूंगा, इसको वाइट ही करूंगा जैसे सीट्स है वाइट में। और मैं जैसे बता रहा था आप लोगों को, मेरे पास पड़ा हुआ है ये देखो, ये डिफ्यूज़र पड़ा है, मैंने कुछ दिन के लिए लगाया था। ये देखो अल्टो 800 का है, मैंने K10 का मंगाया था तो 800 का आ गया था यही पड़ा। अगर किसी को चाहिए होगा तो बता देना, 700-800 रुपये में मैं दे दूंगा, कमेंट कर लेना। 1000 रुपये शिपिंग के साथ कहीं दूर भेजना होगा भी बता देना, भिजवा दूंगा मैं। ये देखो पड़ा हुआ है अल्टो 800 का, लाइटिंग भी वर्किंग है। गंदा इसलिए दिख रहा है ना भाई, मैंने पीछे लगा था उतारा, कुछ नहीं लगाया, बिल्कुल नया का नया है, मैंने सिर्फ एक दिन लगाया। इसके जो एक्स्ट्रा वाट है ना, बस ये काट दिया था मैंने यहाँ से, क्योंकि एक्स्ट्रा मेरे को कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा था, दोबारा जुगाड़ करना है। ठीक है, तो बने रहो बाकी, और कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को हमारी ये चैरियॉट कैसी लगती है यार, कमेंट करो भाई। जब देखता हूँ ना यार इसको भाई, लगता है भाई कोई चीज़ है भाई, खुद ही भाई मैं 10 बार देखूँ ना अपनी गाड़ी का फैन, मैं 10 बार हो जाता हूँ भाई। लगता है भाई ये चीज़ है क्या भाई, क्या बना रखा है भाई, जो मज़ा आ जाता है भाई इसको देख के भाई। सोचा नहीं था कि कभी ऐसे बनेगी, पर भाई अपने 6000 एक देखो कैसी लगती है। पता नहीं जिस हिसाब से चलान हो रहे हैं उस हिसाब से पता नहीं कब इसको स्टॉक करना पड़ जाए, कब ये कैसे लगे। तो लाइट ऑन करके दिखाता हूँ, देखो लाइट्स के साथ तो भाई क्या चीज़ भाई, जो सेक्सी लगती है भैया। देखो चेक मारो भाई जो लाइट्स, और मैंने ब्लू में सेट करके, आजकल मेरे को ब्लू पसंद है, पहले मेरे को रेड भी पसंद था इसका ग्रीन, आजकल ये वाला ब्लू पसंद आया मेरे को हल्का, मतलब अंदर इंटीरियर की लाइट भी मैंने रखी है यार। देखो भैंस क्या चीज़ है भैंस, बवाल जिसको बोलते हैं ना बवाल भाई, मेरे को तो माँ कसम से अपना ये कलर। अब मेरा ना सच बोलूँ तो रैप चेंज करने का मन ही नहीं हो रहा, मैं सोचा जो छोटी छोटी चीज़ें काशू भैया के पास जाके ठीक करा दूँ दोबारा से इसको, मतलब जो स्क्रैचेस क्रूचेज सब कुछ हटा के सारी चीज़ स्पॉइलर्स पुलर दोबारा से पेंट करा के, स्प्लिटर पेंट करा के, नए टायर्स ला के, लाइटनिंग में कुछ चेंज करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, लाइटों का जिस हिसाब से चला कुछ DRL पर रखूँगा, ब्लैक ही कुछ करेंगे कुछ तिकड़म इस लाइट का भी, ऐसे ही कुछ रखने का सोच रहा हूँ मैं। पर भाई मेरे को तो भाई ग्रीन कलर में मज़ा ही आ रहा है, पर यार चीज़ों को चेंज देना भी ज़रूरी है, पर इतने अभी मेरा मन नहीं है कि मैं इसको ग्रीन से चेंज करूँ। क्या पता भाई कपड़ा ख़राब हुआ तो कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, तो आप लोग बाकी बने रहो बाकी देखते रहो कि क्या बनता है। चलो दुकान का काम कर लेते, मामा अंदर से देख रहा होगा, फालतू की गाड़ी तोड़ेगा। अच्छा जैसे मैं बताते देखो अंदर की लाइट भी यही है, तो बंद चले बैक टू वर्क। तो पेंटिंग से आई थी उसको ये किया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको फ्रेम, ये देखो चेक हाथ से बनाए हुए सारे के सारे चेक, देखो कितने सिक्सी बना, एक लौंडिया ने बना रखे हैं।
पकड़ लिया बस को। ये पकड़ लिया पैसे, बस वाले को पैसे दिए थे, दिए थे ना। जी रोकना, कंडक्टर के पास सामान है भाई जी। ठोक से सामान दिया होगा आपके पास, फ्लैक्स दी होगी ठोक से। फाइनली वहां चले गए इस फ्लैक्स के लिए। और चलते चलते उतारा सवारी को भी बैन चो, इसने किया बांधे ने फोर वन निकल गई सवारी दौड़ इसके पीछे बैन चो। 200 का तेल जुट गया तेरे पीछे।